फ्लो एंड वेलोसिटी मेजरमेंट्स। फ्लो एंड वेलोसिटी मेजरमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास है वेंचुरी फ्लो मीटर। वेंचुरी फ्लो मीटर है क्या? इट इज़ ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए पाइप। इस तरह का ये अरेंजमेंट रहता है वेंचुरी मीटर का। इसके सामने ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल एंट्रेंस है एंड हैज़ द साइज ऑफ पाइप टू विच इट हैज़ टू बी अटैच्ड। इसका साइज इतना रखा जाता है जिस पाइप के ऊपर हमने इसको माउंट करना है। फॉर इफेक्टिव वर्किंग इट शुड बी प्रीसीडेड बाय स्ट्रेट पाइप ऑफ लेंथ 5 to 10 डायमीटर्स। मीन्स अगर इसका अच्छे रिजल्ट्स हमने लेने हैं तो इससे पहले जो पाइप है उसकी स्ट्रेट लेंथ इसके डाया के 5 से 10 गुना होनी ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे पास कन्वर्जिंग सेक्शन, और इसमें ये जो हमारा एंगल बनेगा ये 21 डिग्री से लेके 19 डिग्री से लेके 23 डिग्री तक होता है। ये हमारा कन्वर्जिंगल कोनिकल सेक्शन है। ये इसमें एंगल है α1, और ये बीच ये फिर फाइनल जो बीच में ये एरिया आया दिस इज़ कॉल्ड एज थ्रोट। ये थ्रोट है। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ मिनिमम एरिया एयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड प्रेशर इज लीस्ट वैल्यू। लेंथ ऑफ थ्रोट इज़ इक्वल टू डायमीटर। जितनी थ्रोट की लेंथ होती है वो डायमीटर के इक्वल होती है। और यहाँ पे इस तरह से ऐसे ये जो है एक वो लगी हुई है, ट्यूब लगी हुई है। यहाँ पे प्रेशर एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा तो यहाँ से जो इसके अंदर फ्लूइड होगा वो ऊपर को राइज करेगा। फिर है हमारे पास डाइवर्जिंग सेक्शन। डाइवर्जिंग सेक्शन हैज़ स्ट्रीम एरिया इक्वल टू एंट्रेंस एरिया। यहाँ पे जो एरिया होगा डाइवर्जिंग का वो एंट्रेंस एरिया के इक्वल हो जाता है। देयर इज टोटल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर। प्रेशर एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो जाती है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, एंड हैज़ इंक्लूडेड एंगल 5 to 7 डिग्री। ये जो एंगल होता है 5 से 7 डिग्री होता है। वेंचुरीमीटर्स का स्मूथ सरफेस होता है सो हाई प्रेशर रिकवरी पॉसिबल है। और एक चीज़ और देखनी है कि इसमें फिटिंग्स और मिसअलाइनमेंट्स को हमने अवॉइड करना है कि बीच में कोई कर्व्स या बेंड्स वगैरह ना हैं इसके आगे या इसके पीछे, ताकि एग्जैक्टली मेरे को मेजरमेंट्स दे सके। जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आएगा वो इस रिजल्ट से डिनोट किया जाता है A1A2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1² - A2 के √2GH। QTH इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, A1 इज एरिया एट इनलेट, AT इज एरिया एट थ्रोट, और H क्या आएगा, थ्योरेटिकल हेड डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हेड का डिफरेंस आएगा, अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ से फ्लूइड ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे फ्लूइड अगर नीचे है तो ये जो यहाँ पे गैप आएगा दैट इज हेड। ओके, और एक्चुअल डिस्चार्ज आएगा CD × QTH। व्हाट इज CD? Q actual/Q थ्योरेटिकल। CD क्या है बेसिकली, ये एक वेंचुरीमीटर कॉन्स्टेंट है, या हम इसको डिस्चार्ज कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ये है हमारा वेंचुरी मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास पिटट ट्यूब। पिटट ट्यूब में क्या है, इट इज डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो वेलोसिटी। ये इस तरह से पिटट ट्यूब है। यहाँ से फ्लो आया, ये इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे ये जब रुकेगा तो ये प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। If the velocity of flow at a particular point is reduced to 0, it is called as stagnation point, and pressure at that point is increased. Means ये static value थी, यहाँ के जब ये रुकेगा तो ये क्या बन जाएगी, stagnation point बन जाएगा। यहाँ पे velocity रुक गई और वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर में। Due to conversion of kinetic energy into pressure energy. By measuring the increase in pressure at this point, flow velocity can be determined. यहाँ पे कितना प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ है उससे हम फ्लो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में सामने क्लियर नजर आ रहा है। PA is intensity of pressure at point A and V is velocity. Similarly PB is pressure at point B, but इसकी वेलोसिटी जो B पे थी वो 0 होगी बिकॉज हम स्टेग्नेशन वैल्यू ले रहे हैं, फ्लूइड वहां पे आके रुकेगा। H is depth of tube in the liquid and H is rise of liquid in the tube above free surface. यहाँ पे कैपिटल H है और यहाँ से ट्यूब इतना में लिक्विड इतना ऊपर को मूव कर गया है। एंड Z इज एलिवेशन अबव अर्थ सरफेस। सो हम ये अब यहाँ पे बर्नौली थ्योरम हमने अप्लाई की है। एलिवेशन सेम है तो ZA ZB ये आपस में इक्वल हैं, VB 0 है। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से VA आ गई हमारे पास, और VA जो एक्चुअल आएगी वो आएगी CV √2GH, वेयर CV इज कोफिशिएंट ऑफ पिटट ट्यूब, जो कि हर ट्यूब के लिए अलग अलग कोफिशिएंट्स हमें दिए होंगे। तो यहाँ से हम फ्लो की वेलोसिटी निकाल सकते हैं H के टर्म्स में। जो H हमारे पास राइज आएगा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, CV डालेंगे, और हमें ये मालूम हो जाएगा कि A पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास रोटामीटर। रोटामीटर क्या है? ग्लास ट्यूब है विच कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज फ्लोट। ये ग्लास ट्यूब है, उसके बीच में ये बॉब है जिसको इसको हम फ्लोट बोल रहे हैं। ये टेपर ट्यूब है, ये बॉब है इसमें जहाँ जो कि फाइनल अगर यहाँ पे फ्लूइड मूव नहीं करता तो नीचे आके रेस्ट करेगा, तो दिस इज ए फ्लोट। द फ्लोट इज ऑलवेज डेंसर देन द सब्सटेंस इट इज रेस्टिंग इन एंड डज नॉट एक्चुअली फ्लोट ऑन द सब्सटेंस सरफेस। इसमें पोर्शन में नीचे से लिक्विड ने आना और ऊपर को लिक्विड मूव कर जाना। ये एक पाइप है, इसमें टेपर है और ये फ्लोट है। फ्लोट की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी और ये लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट नहीं करेगा। जब लिक्विड मूव करेगा तो ये नीचे को मूव करेगा। इट रेस्ट समवेयर बिटवीन द सब्सटेंस सरफेस एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। मीन्स यहाँ पे फ्लूइड रहेगा टॉप तक, ऊपर को जा रहा है तो इसके सरफेस पे नहीं आएगा, इधर ये बॉटम है तो इसके बीच में ये कहीं मूव करेगा। और ये यहाँ पे इसके ऊपर मार्किंग्स दे रखी हैं। When a liquid or gas passes through the tube, the flow causes the float to rise। कहता है ये जब liquid और gas tube में से पास करेंगे तो ये float को ऊपर को उठाएंगे। Under normal circumstances, gravity causes the float to fall। Gravity ने of course float को नीचे लेके आना है, but fluid के buoyancy के कारण ये ऊपर को move करेगा और flow rate के कारण। Depending upon the substance flow rate, the float will rest at a specific level in the tube। जब जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ेगा ये अकॉर्डिंगली मूव करेगा ऊपर को। फ्लोट कम करूँगा तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। बाय मार्किंग ईच लेवल द ट्यूब, अ प्रिसाइज फ्लो मेजरमेंट कैन ईजिली बी ऑब्टेन बाय नोटिंग द वेयर द फ्लोट रेस्ट। फ्लोट की पोजीशन क्या आती है? सपोज यहाँ आती है तो इस पोजीशन से मैं निकाल सकता हूँ कि इसमें से जो फ्लूइड है वो किस वॉल्यूम रेट से मूव कर रहा है। ओके, रोटामीटर इज माउंटेड वर्टिकली। इसकी कंडीशन ये है कि वर्टिकली माउंट होता है, स्मॉल साइज पाइप्स के लिए यूज़ होता है, लेस एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू वेंचुरी एंड ऑरिफाइस फ्लो मीटर। ये अभी हमने आगे पढ़ना है कि व्हाट इज ऑरिफाइस फ्लो मीटर। दिस इज रोटामीटर। ओके, ऑरिफाइस क्या है? ऑरिफाइस इज एन ओपनिंग हैविंग ए क्लोज पैरामीटर मेड इन द वॉल्स और द बॉटम ऑफ ए टैंक और वेसल कंटेनिंग फ्लूइड थ्रू विच फ्लूइड में भी डिस्चार्ज। कहता है ये ऐसे एक टैंक है, उसमें से जो फ्लूइड है वो बाहर मूव कर सकता है। यहाँ पे एक ओपनिंग है, इसको ऑरिफाइस बोलते हैं। और टॉप एज जो इसका होगा ऑरिफाइस का, वो हमेशा वाटर सर्फेस के नीचे होगा, फ्री सर्फेस से। अगर ये फ्री सर्फेस, यहाँ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये हमेशा ऐसे नीचे मौजूद रहेगा। It is said to be small orifice if the depth of upstream liquid on the top of orifice is greater than the depth oblique diameter of the orifice। कहता जो top of orifice से या ये जो water का fluid surface है, अगर इसकी depth ज़्यादा है तो small का बोलते हैं। If the depth of the upstream liquid on the tops of the orifice is greater than depth, इसके center से जो liquid का free surface की height है वो इसकी डेप्थ या डायमीटर से ज़्यादा है तो हम इस ऑरिफाइस को क्या बोलेंगे? स्मॉल। अगर ये डेप्थ इसकी या डायमीटर एच से ज़्यादा है तो ऑरिफाइस इज सेड टू बी लार्ज। ओके, अगर डायमीटर ज़्यादा है तो वो लार्ज है, नहीं तो वो स्मॉल है। जो लिक्विड ऑरिफाइस से यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ कुछ डिस्टेंस आगे आने पर उसका एरिया कम हो जाता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं वीना contracta। Liquid issuing from orifice opening is called jet and separates from the wall at the sharp edge। Basically edge इस तरह की होती है, ऐसे beveled होती है, sharp edge and converges into a section of minimum cross sectional area, the section of least cross section and hence of maximum contraction cross section minimum contraction maximum is called as vena contracta। It occurs at about 1/2 orifice diameter। जितना orifice का diameter है उससे 1.5 डायमीटर आगे जाके ये हमें मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स जो होगी इट इज √2gh, बिकॉज ये इतना पोर्शन था लिक्विड के ऊपर, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स आएगी दैट विल बी √2gh, जो कि फ्री फॉल का केस भी होता है। इट इज सिमिलर टू दैट। इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ रिजर्वायर। एक ही बात है। ऑरिफिस कैन बी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। कॉमन शेप इज सर्कुलर विद शार्प, स्क्वायर और बेल माउथ एच एट द एंट्रेंस। अब इसके साथ रिलेटेड है कुछ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स। पहला है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ लिक्विड एट द वीना कॉन्ट्रैक्टा टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। इन दोनों के वेलोसिटी का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, सीवी। तो ये एक्चुअल जो बाहर आई थी √2gh जो फ्री फॉल के कारण होनी चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.95 से 0.99 के बीच में। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू एरिया ऑफ ऑरिफाइस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये वीना कॉन्ट्रैक्टा का, ये एक्चुअल, तो उनकी रेशियो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फिर हमारे पास होता है डिस्चार्ज कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफाइस टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी इनटू एक्चुअल एरिया, थ्योरेटिकल वेलोसिटी इनटू थ्योरेटिकल एरिया। तो सीवी इनटू सीसी, इसकी वैल्यू कितनी होती है एवरेज, 0.62। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करके इनको निकाल लिया। फिर है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज क्या, एरिया ऑफ जेट इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट। ये एरिया एक्चुअल वेलोसिटी एक्चुअल, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, सीडी। तो इट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। लॉस ऑफ हेड थ्रू ऑरिफाइस कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो लॉस ऑफ हेड होता है ये वैल्यू, ओके, v²/2g1/cv-, यहाँ h में डाल दो, जैसे मर्जी निकाल लो। तो ये लॉस ऑफ हेड ऑरिफाइस के कारण आया, यहाँ सीधा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हमने डिस्कस कर लिया है। डिस्चार्ज थ्रू शार्प एज्ड लार्ज ऑरिफाइस, एंड ऑरिफाइस इज कंसिडर्ड टू बी लार्ज इफ अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ लिक्विड ऑन द ऑरिफाइस टॉप इज लेसर देन द डेप्थ ऑफ द ऑरिफाइस इटसेल्फ। For such orifice, the velocity of fluid particles vary considerably between the top and bottom layer of orifice. It is more near the bottom edge than near the top edge. तो ये जो large shaped orifice होगा इसमें ये top layer है, ये bottom layer है, तो bottom layer पे velocity ज़्यादा होगी और ऊपर वाले पे velocity कम होगी। तो orifice का जो अपना distance है ये वाला जिसको हम depth बोल रहे हैं, it is more than the डेप्थ ऑफ द ऑरिफाइस फ्रॉम द फ्री सरफेस है, ये डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा तो ये लार्ज मानी जाएगी। ऑरिफाइस को हम सबमर्ज या ड्राउंड बोलते हैं अगर पूरा का पूरा आउटर साइड ऑफ ऑरिफाइस इज अंडर ए लिक्विड। टाइम ऑफ एम्प्टिंग ए टैंक थ्रू एन ऑरिफाइस एट इट्स बॉटम, कहता है ऑरिफाइस अगर एक ऐसे टैंक है उसके बॉटम पे है तो टाइम ऑफ एम्प्टिंग क्या होगा, एज एरिया ऑफ टैंक, एज एरिया ऑफ ऑरिफाइस, स्मॉल एज एरिया ऑफ ऑरिफाइस। h1 इज फाइनल हाइट ऑफ लिक्विड, h2 इज इनिशियल हाइट ऑफ लिक्विड। पहले लिक्विड इस हाइट पे था और कुछ देर के बाद खाली होने के बाद लिक्विड इस हाइट पे आ गया, तो ये h2 है और ये h1 है। और t इज टाइम इन सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विड टू फॉल फ्रॉम हाइट h1 to h2, तो ये टाइम होता है जी हमारा, इसका ये रिजल्ट है। इसी तरह से अगर हेमिस्फेरिकल टैंक है तो उसका ये रिजल्ट रहेगा। फिर h1 इज लिक्विड अबव लोअर एज ऑफ ऑरिफाइस एंड h2 लिक्विड अबव अपर एज ऑफ ऑरिफाइस। और अगर सर्कुलर हॉरिजॉन्टल टैंक है तो उसका ये रिजल्ट है। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं ऑरिफाइस के लिए, ओके। नेक्स्ट है माउथ पीसेस। माउथ पीस क्या है, इट इज़ ए शॉर्ट ट्यूब ऑफ लेंथ नॉट मोर देन 2 to 3 टाइम्स इट्स डायमीटर विच इज़ फिटेड टू द सर्कुलर ओपनिंग ऑफ ऑरिफाइस ऑफ सेम डायमीटर प्रोवाइडिंग इन ए टैंक और ए वेसल। ऑरिफाइस में क्या था, यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग थी, इसमें एक आगे ट्यूब अटैच्ड होती है, ठीक है, जिसकी की लेंथ जो है 2 या 3 गुना ऑफ इट्स डायमीटर होगी। और इफ़ द पाइप, सेम बिहेवियर रहेगा इसमें भी, वैसे वीना कॉन्ट्रैक्टा यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे एरिया कम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, और यहाँ पे फ्लूइड फिर से एक्सपैंड होके सरफेस के साथ चिपक रहा है, यहाँ से इसने सरफेस को छोड़ दिया था। इफ़ द पाइप प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द वॉल ऑफ रेजर्वायर इट इज़ एन एक्सटर्नल माउथपीस, अगर ये बाहर लगा है वेसल के तो इसको एक्सटर्नल माउथपीस बोलते हैं। व्हेन द पाइप इज फिक्स इंटरनली इट प्रोजेक्ट्स इनसाइड द टैंक, कहता है ऐसे केसेस भी होंगे कि अंदर की तरफ होगा, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल और री एंट्रेंट माउथपीस। अ माउथपीस इज सेड टू बी सिलेंड्रिकल व्हेन इट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक बात है, अगर ये सर्कुलर है तो सिलेंड्रिकल बोलेंगे। व्हेन इट्स डायमीटर फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट इज यूनिफॉर्म, व्हेन डायमीटर ऑफ माउथपीस इंक्रीजेज इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस। ऐसे भी होंगे जिसमें कि डायमीटर कम ज़्यादा होंगे, उसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बोलेंगे हम। माउथपीस इज सेड टू बी रनिंग फ्री इफ द जेट आफ्टर कंट्रैक्शन डज नॉट टच द साइड्स ऑफ द ऑरिफाइस। कंट्रैक्शन के बाद अगर जेट साइड्स को टच ना करे ऑरिफाइस को, तो उसको हम कहते हैं रनिंग फ्री। और अगर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जेट एक्सपैंड्स एंड फिल्स द माउथपीस, इट इज सेड टू बी रनिंग फुल। ये रनिंग फ्री था और ये रनिंग फुल है, ये कंडीशंस हैं इसकी। फ्लो थ्रू एंड एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस के लिए रिजल्ट्स क्या हैं? थ्योरेटिकल वेलोसिटी √2gh मालूम है हमें, CV इज एक्चुअल वेलोसिटी बाय थ्योरेटिकल, वही पुराने वाले रिजल्ट्स, तो यहाँ से CV आ गया हमारे पास। द एरिया ऑफ जेट ऑफ लिक्विड एट आउटलेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ जेट एट ऑरिफिस एट आउटलेट, तो CC1 है, सो कोएफिशिएंट डिस्चार्ज कितना बन गया हमारा 0.855। फ्लो थ्रू एन इंटरनल सिलेंड्रिकल माउथपीस, और इसको बोर्डाज माउथपीस भी बोल देते हैं। इफ लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, इफ द जेट ऑफ लिक्विड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टच द साइड्स, इट इज सेड टू बी रनिंग फ्री। ओके, डिस्चार्ज थ्रू बोर्डाज माउथपीस इज गिवन बाय दिस रिलेशन। If length of tube is 3 times its diameter, Borda's mouthpiece runs full as the jet of liquid after contraction expands and touches the sides of the Borda's mouthpiece running full. Discharge is given by this relation. Okay. Notches and weirs. Notch or weir is a geometrical opening in the side of reservoir with upstream liquid below the upper edge of the opening. ये upstream liquid है, ये upper edge of opening से नीचे है. Weir is a partial obstruction built across the flow. दिस सबसेक्शन कॉजेज अपस्ट्रीम लेवल टू राइज अंटिल द फ्लो अकर्स, तो जब तक फ्लो शुरू नहीं होगा अपस्ट्रीम लेवल उठता रहेगा, जैसे उठेगा ये फ्लो होना यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये नीचे वाली साइड को हम लोअर नेपे बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर नेपे बोलते हैं, ये वेयर प्लेट है। अब नॉचेज एंड वेयर्स में डिस्टिंक्शन फीचर्स क्या हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? नॉच इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर विद शार्प एज, वेयर इज मेड ऑन ए मच लार्जर स्केल एंड हैज़ ए सब्सटेंशियल क्रेस्ट इन द फ्लो डायरेक्शन। तो इसमें एकदम ये लार्जर स्केल पे होते हैं, नॉच छोटी होती हैं, वेयर्स बड़ी होती हैं, और इसमें क्रेस्ट ज़्यादा आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नॉच इज स्मूथ प्लेन वर्टिकल प्लेट एंड इट्स एजेस आर बेवल्ड ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड, बिल्कुल तीखी प्लेट्स होंगी और उसमें बेवलिंग कर रखी होगी इस तरह से। ये क्या है? ये आपका नॉच है। बट जो वेयर है वो कंक्रीट या मेसनरी वर्क से बनती है, जिसमें कि सीमेंट वगैरह का यूज़ होगा, ये मेटेलिक होंगी। Notch measures the small flow rates from reservoir, weir measures large flow rates. Liquid from flows through an orifice but it flows over the weir. ये difference इसका weir का orifice से है, ना कि नॉच से, कि orifice में liquid पूरा का पूरा move करता है, बट weir में उसके ऊपर से निकलता है, उसकी ऊपर top वाले surface को touch नहीं करता। Stream of liquid issuing from an orifice is called as a jet and the overflowing stream of liquid in a weir is called as a nappe, sheet और vein। ये हमने बता दिया, यहाँ discuss कर लिया है। ये नेपे है, ये अपर नेपे और ये लो नेपे, इसको शीट या वेन कुछ भी बोल दीजिए आप। एंड डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर वेयर इज गिवन बाय दिस रिलेशन, वेयर बी इज विड्थ ऑफ द वेयर। तो ये था हमारा सारा फ्लो एंड वेलोसिटी मेजरमेंट्स। थैंक यू।